अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रजा। बरतानिया में 26 साल बाहिजाब सईदा लिताहा जान की बाजी हार गई हैं। वो एक मैच के दौरान शरीर जख्मी हो गई थी, बाद में पता चला कि वो अपने कमरे में मुर्दा पाई गई हैं। कुछ कंट्रोवर्सी भी है सिलसिले में, आइए आपको इस खबर के बारे में तफसील से आगाह करते हैं। साउथ हिम्पटन के इलाके में किक बॉक्सिंग मैच के दौरान 26 साल बाहिजाब सईदा लिताहा एमएमए फाइटिंग के एक मैच के दौरान मुक्का लगने से शरीर जख्मी हो गई थी, बाद में वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाई गई। मेडिकल स्टाफ जान स्कॉट का कहना है कि जब उन्होंने सईदा का मुआयना किया था तो उस वक्त वो किसी भी असाबी तनाव का शिकार नहीं थी, जबकि विंस्टर क्राउन कोर्ट की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि पैरामेडिक्स ने इस मैच का मुआयना किया जिस पर अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इन्हें जानबूझकर शदीद चोटें पहुंचाई गई थी। दूसरी तरफ एमएमए हुकाम का कहना है कि सईदा की मौत एक ऐसा हादसा है जिससे बचा नहीं जा सकता था, हिफ्जान सेहत का अमला नाकाफी था और जो मौजूद था उसने अपने काम में पेशावराना काबिलियत का मुजाहरा नहीं किया। सईदा के बारे में जो भी अपडेट्स होंगे उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।